नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। सावन मास चल रहा है, यहाँ पर देश विदेश से अनेक श्रद्धालु लोग कांवड़ यात्रा पर आ रहे हैं, यहाँ से कांवड़ का जल भर ले जा रहे हैं। आपको अनेक प्रकार के कांवड़ों का हमने दर्शन कराए, इसी श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं एक जो अपने आप में बहुत बड़ी विशाल कांवड़ है। दिखने से भी पता लग रहा होगा कि कितनी विशाल कांवड़ है। हमारे भाई बंधु हैं जो ये कांवड़ ले जाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं कि कहाँ जाएंगे। भाई क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, कब से आप कांवड़ ले जा रहे हैं? मेरे को 2015 से लेकर जा रहा हूँ, 7 साल हो गए। बस वो साल जो गैप हुआ था वही 6ठा साल। अच्छा, आप तीन लोग बराबर आते हैं कि इसके बीच में मतलब कोई दूसरा रहता है? नहीं, हम तीन ही बराबर रहते हैं। अच्छा, तीनों का ग्रुप, तीन लोगों का? हाँ, तीनों का ही ग्रुप है। इसमें मुख्य कौन है? भाई है संदीप भाई। अच्छा जी। हाँ जी, आपने ही शुरू किया था, ठीक। आपका क्या नाम है भाई? संदीप नाम है मेरा। संदीप जी, आप 2015 से कांवड़ लेकर? नहीं, 2009 से। 2009 से बराबर आ रहे हैं? हाँ जी। बीच में 2 साल जब ब्रेक हुआ था थोड़ा परेशानी हुई क्या? एक बार ही नहीं आया था, दूसरी बार तो आया था। दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले आप कितना जल ले जा चुके हैं? 140 लीटर। हमेशा 140 ले जाते हैं? इस बार 120 है बाबा की मेहर से। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 2009 से बराबर जो कांवड़ जा रही है 140 लीटर जल, और सामने में दिख रहा है इस बार भी शायद 120 लीटर बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि 120 लीटर यहाँ से ले जाना कंधों पर, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप मतलब ये बताएंगे, ये क्या कोई मन्नतें आपने मांगी थी कि ऐसे किस प्रकार कांवड़? बाबा की मेहर है, बाबा की मेहर, बाबा की दुआ है। कोई मन्नतें नहीं आप लोगों की? नहीं, तो ये बागपत वाले भी है जो त्यागी है, वो भी 151 लीटर लेके जाते हैं, बट वो बहुत पहले उठाते हैं। हमें ये कांवड़ मैक्सिमम 25 तारीख को रात को लगानी है। अच्छा, आज उठाएंगे रात में, पहुंचेंगे कब तक? 25 तारीख की सुबह दिल्ली। 25 को सुबह दिल्ली? आज 19 तारीख है। 19 को अभी 12 बजे से पहले तो उठेगी नहीं, 12 बजे के बाद मतलब सुबह 20 को उठेगी। 25 को 5 दिन में पहुंच जाएंगे। कितनी रफ्तार चलती है आपकी? अच्छी चलेगी रफ्तार, हम टॉप मारते हैं अच्छी। मतलब आपका सफर कैसा रहा? नॉन स्टॉप, बीच में कोई रेस्ट नहीं है? नहीं, कोई रेस्ट नहीं है। रेस्ट लेंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे ना, रेस्ट ले लेंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे दिल्ली। मतलब आप दोस्तों, ये 25 तक हमें पहुंचना है। आज 19 तारीख है, 20 को ही उठेगी कांवड़ कल, मतलब 12 बजे के बाद में, और 25 तारीख तक सुबह तक ये दिल्ली पहुँच। सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है, 5 दिनों में करीब 350 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा, और नॉन स्टॉप मतलब एक हमेशा जा रहे हैं। 140 kg, इस बार 120 से भगवान की कृपा है ऐसा बता रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी श्रद्धा और कितनी शक्ति महाकाल को हो सकती है। आप और मतलब आप लोगों की कोई मन्नत नहीं, बस ऐसे ही? कुछ नहीं, बाबा ने बहुत कुछ दिया जीवन के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली में कहाँ से? आदर्श नगर। और ये कहाँ चढ़ी? आदर्श नगर में? हाँ जी, आदर्श नगर में। वहाँ पे किस भगवान पे चढ़ी? भगवान शंकर पे। हम भगवान शंकर के ही भगत हैं और किसी को नहीं मानते। आप कब से भगवान शंकर को मानते हैं? जन्म से, बचपन से। सभी लोग? हाँ जी। अरे वाह, मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि बचपन से ये लोग भगवान शिव के भक्त हैं। एक चीज़, आप कांवड़ थोड़ा उठा के ले चल सकते हैं? हाँ, आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, भाई ये कांवड़ उठाई और ये मतलब चल रहे हैं क्या, मतलब ये है शानदार। बस धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इससे मतलब लगभग लंबाई के बराबर कांवड़ है और ये दिल्ली जाएगी। बीच रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद देखते रहे दोस्तों इसी प्रकार हमारे चैनल को। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ अपनी वार्ता।